थोड़ा इस तरफ लुक करके थोड़ा सा क्रॉस में आ गया हो जाओ ओके ओके मेरा हुक्का बड़ा अजूबा है वो गुड़ 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 बोले गुड़ 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 महबूबा है वो गुड़ 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 बोले गुड़ 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 हाँ गुड़ 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 इसके आगे क्या था मुझे याद ही नहीं है बस दुनिया से हटके तेवर है खुशबू का गजब फ्लेवर है दुनिया से हटके तेवर है मेरा नाम दुनिया से हटके तेवर है खुशबू का गजब फ्लेवर है दुनिया से हटके तेवर है खुशबू का गजब फ्लेवर है दुनिया से हटके तेवर है एक बार से हटके तेवर है खींचा ना बहुत ये वाला मैच नहीं कर रहा हो जाएगी पहले कहा आपको नंबर फॉरवर्ड करता हूँ हो जाएगी मतलब ऐसा छोड़ कम लाइट कम कट कर कट कर सेकंड लाइन आएगी डार्क ब्राइट हो जाएगी ना ठीक है और कट करना हो जाएगी अभी तो अधूरा खींच दिया ना ज्यादा थोड़ा कट चाहिए अभी इसको डाल दो लास्ट में किया था ना वैसे अभी तो डाल दो लाइट ब्राइट हो जाएगी लाइट ब्राइट हो जाएगी लाइट ब्राइट हो जाएगी किसी में डूबा है वो गुड़ 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 बोले गुड़ 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 बोले मेरा हुक्का बड़ा अजूबा है वो गुड़ 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 बोले गुड़ 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 हां हां भी काट कर दुनिया से हटके तेवर है खुशबू का गजब फ्लेवर है दुनिया से हटके तेवर है खुशबू खुशबू का गजब फ्लेवर है दुनिया से हटके तेवर है एक बार से हटके तेवर है बहुत मस्त आइए ना सर।
टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन बहुत एक ज़्यादा ही उम्मीद थी, एक सपना था प्रोड्यूसर बनना, तो आज मैं इस मौकाम पर खड़ी हूँ एज अ प्रोड्यूसर ऑफ अंतरा क्रिएशंस LLP जो मेरी कंपनी है, एंड आई एम हियर टू लॉन्च माय मूवी माया, जो एक जर्नी है, एक सफ़र है। इस नाम पे और भी कई फिल्में आ चुकी हैं, माइक थोड़ा आगे झुकाओ ना। हाँ, क्या कहना चाहिए माइक इस पूरी किस तरह की है? माया एक्चुअली नाम हमारा फिक्स नहीं हुआ है, ये तो राइटर का जो इमेजिनेशन था। वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन द नेम ऑफ द मूवी, लेकिन यस, दिस इज़ अ वुमनहुड मूवी, फेमिनिस्ट मूवी, जो मुझे दिल को छू गई, मेरे दिल को छू गई, एंड स्टोरी इज़ टू गुड। एक जर्नी है, एक सफ़र है, जो ऑडियंस को ज़रूर से बिठा के रखेगा, और ऑफकोर्स इट्स अ थ्रिलर मूवी, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टेक्नीशियंस जो है वो भी अपना काम करेंगे, सब कमाल करेंगे कि मूवी और बेहतर एक बड़े कैनवस पर बन जाएगी, एंड लोकेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड विच वी आर एडिंग, दैट इज़ अलवर इन राजस्थान। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, बहुत ही सुंदर सारे प्लेसेस है, पूरी चीज़ वो सारे घर सारे चीज़ वहाँ पर रियल लिया हुआ है, नो सेट्स एट ऑल। जैसे भी बात कर रहे हैं महिला ओरिएंटेड मूवी बता रहे हैं आप, यस, तो इसके साथ में वो मर्द कौन होगा? मर्द तो एहसान खान है और सैयद रजा भी है, मतलब चार पांच हीरोज है इसमें जो अपने अपने तरीके से किरदार निभाएंगे, और हर एक क्वेश्चन मार्क होगा हर एक एक्टर पर कि ये कौन एंड ये कैसा। गाना रिकॉर्ड हो रहा है, गाना कौन गा रहा है? ये गाना हम लोग ने पवनी पांडे से रिकॉर्ड करवाया है, जो एक आइटम सॉन्ग है, एंड अरिजीत सिंह भी है हमारे गाने की टीम में, वो ऑफकोर्स आज नहीं आ जा पाए। फोर सॉन्ग्स है, हम लोग ने चार सॉन्ग करवाए हैं, तो ये दो तो हैं ही, और पवनी पांडे का प्रोफाइल तो एज एवरीबडी नोज कि लैला और लैला से ही जो हुआ है, और ये एक आइटम सॉन्ग है जो यही कर पाएंगी अच्छे से, एंड वी हैव सिलेक्टेड हर। अरिजीत जो रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं हमारे पिक्चर का, एंड उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, सब जानते हैं कि वेरी टेक्स द सॉन्ग, एंड ये सॉन्ग्स विल ऐड द ब्यूटी ऑफ द फिल्म ऑल्सो। हाँ, इस फिल्म का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल तो ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है। ये एक क्राइम थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, और उसमें मैं एक लड़की का किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है माया, जिसकी कैरेक्टर शुरू में आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, मतलब एक इनोसेंट लड़की है या इसके हालात कुछ ऐसे हैं जिसलिए एक के बाद एक क्राइम कमिट कर रही है, या इसका दिमागी हालत सही नहीं है, या ये करने में इसे मज़ा आता है। तो एक ऐसी वाली स्टोरी है जो धीरे धीरे रिवील होता है, इसके सारे लेयर्स धीरे धीरे खोलते हैं। आपके बॉलीवुड कैरियर की बात करें, क्या कैरियर के काम करते हैं? मेरी लास्ट रिलीज थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बाबू मिशाए बंदूकबाज। आज फिल्म की मुहूर्त है, उम्मीद करने के लिए तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। मैं चाहती हूँ कि फिल्म अच्छी तरीके से कंप्लीट हो और सही तरीके से रिलीज़ हो। पहले तो मुझे इस कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा क्योंकि डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, जो मैंने पहले किया है वैसा नहीं है। यूपी का एक अलग सा डायलेक्ट में बात करना है, जो मुझे सीखना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद काम करेंगे, फिल्म अच्छी बन के तैयार हो जाएगी, रिलीज़ होगी, यही उम्मीद है, लोगों को पसंद आएगी। आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है रोल, क्योंकि इसमें हीरो ना होके हीरोइन को पूरा टारगेट है और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी चलती है। माइक दुकान थोड़ा सा। अब देखिए, अगर मैं अपने कंधे पे ज़्यादा बोझ ले लूँगी तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उस तरीके से सोच ही नहीं रही हूँ। मैं सीन बाय सीन मैं करती जाऊँगी, डायरेक्टर जो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे वही मैं करूँगी, मैं अपने कैरेक्टर पे काम करूँगी, मैं अपना मेहनत करूँगी, बाकी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसका रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है आपके? बाकी मेरे कुछ फिल्म्स तैयार है, जैसे टी फॉर ताजमहल, इसके प्रोड्यूसर थे अबीस रिजवी, जो इस बार गोवा इफ़ी में दिखाई गई, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने दयाबाई के ऊपर बायोपिक किया है, कुछ बंगाली फिल्म्स किया है, देखते हैं। ये साल की तो अभी शुरुआत है, एक के बाद एक रिलीज़ होगी। नवाजुद्दीन के साथ कैसी केमिस्ट्री आपकी? नवाजुद्दीन के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, कई क्रिटिक्स ने इस साल के टॉप 10 फिल्म लिस्ट में हमारा फिल्म भी रखा है, और टॉप 10 हॉट केमिस्ट्री में भी हमारा नाम है, जो अच्छी बात है। तो बेशक दर्शकों को और क्रिटिक्स को भी हमारा जो है जो किरदार और केमिस्ट्री पसंद आई, तो
थैंक यू। अपना इंट्रो दे दूँ। मैं नीरज भारद्वाज, एक्टिंग फील्ड से ही जुड़ा हुआ था 98 से, और मैंने एक्टिंग एज एन एक्टर 11 फिल्में की हैं एज ए हीरो, और धर्म जी के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं एज ए हीरो, और भोजपुरी चूँकि बिहार का रहने वाला हूँ तो भोजपुरी भी मैंने की फिल्म, 4 फिल्में भोजपुरी की हैं मैंने, और कम से कम 7-8 हज़ार एपिसोड्स में मेन लीड एज ए सीरियल किया है, और जिसमें सबसे लंबी कड़ी जो चली है जिस सीरियल की उसका नाम है साथ निभाना साथिया, और हाँ। किस तरह का किरदार था, कितना क्या नाम था? अच्छा, वही मैं बताने जा रहा था कि उसमें मोटा भाई चिराग मोदी नाम से किरदार था, सेंट्रल लीड कर रहा था साथिया में, साथ निभाना, हेड ऑफ़ द फैमिली। वो 2500 एपिसोड चला। उसके बाद एक्टिंग कर रहा हूँ, एक फिल्म और कर रहा हूँ मैं, गुस्ताख इश्क, राज सहगल की फिल्म है, उसमें मेन विलेन हूँ मैं, और ये फिल्म जो है जिसका टेंटेटिव टाइटल जो है माया, मोक्ष टू माया है, जिसके राइटर हैं कपिल शर्मा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अनिल शर्मा जिनका आप जानते होंगे, उनका सबसे छोटा भाई कपिल शर्मा है, उन्होंने लिखी है ये फिल्में, और मनोज सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, जो काफ़ी सीरियल उन्होंने डायरेक्ट किया है, लेकिन उनका बैकग्राउंड एक्चुअली फिल्म ही रहा है। महानता में, महानता फिल्म आई थी संजय दत्त माधुरी दीक्षित की, उसमें एसोसिएट डायरेक्टर थे वो, और ये फर्स्ट फिल्म होगी उनकी। इसमें मैं और मेरे साथ श्वेता ठाकुर हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको अंतरा क्रिएशंस के बैनर के तले, और इसकी पूरी शूटिंग अलवर राजस्थान जयपुर के पास है वहाँ होगी, और एटेस्टेड 25 डेज़ की का पूरा शेड्यूल है। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि विदिता है, मीता वशिष्ठ है, काफ़ी कलाकार हैं, एहसान खान हैं, और फिल्म बैकग्राउंड पर रियलिस्टिक फिल्म है, कोई आजकल के इंग्लिश टाइप फिल्म नहीं है, बहुत रियल स्टोरी पे फिल्म है ये। मैं भी एक किरदार कर रहा हूँ इसमें, हीरो के बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ इस फिल्म में मैं। हीरो की बात करें, फिल्म में हीरो कौन है? एक महिला ओरिएंटेड मूवी है, मतलब प्रोड्यूसर पूरी औरत के ऊपर कहानी है। नहीं, प्रोड्यूसर बनने के पीछे राज था कि सर स्टोरी बहुत अच्छी थी, और चूंकि मैं 15-17 साल से इस इंडस्ट्री में एक्चुअली एक चीज़ सीखा है, जाना है, लोगों को बहुत कोऑपरेट किया है, और मैंने सोचा कि अब सबका एग्ज़ाम देते हुए देख लिया हूँ, इस परीक्षा में मैं भी बैठ जाऊँ एक बार और कोशिश करूँ, और ये दुस्साहस कहिए या साहस कहिए कि कर रहा हूँ प्रोड्यूस करने के लिए, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हीरोइन का बहुत हाँ, एक्चुअली कास्टिंग का भी यही कारण था। विदिता को हमने देखा था बंदूकबाज में, तो जो हमारी स्टोरी है ना, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक स्टोरी है, और हमें ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए था जो रियलिस्टिक और बहुत बोल्ड हो, जिसके चेंज ओवर लाइफ में जो होते हैं और वो कैसे चेंज ओवर लाती है हमें, तो आई थिंक मतलब विद्या इज़ द फिटेस्ट कैरेक्टर फॉर दिस फिल्म, और हम लोग चाह रहे थे कि वो किसी तरह कर लें, और उन्होंने हाँ कहा, बड़ी खुशी हुई कि आई एम थैंकफुल टू हर कि वो कर रही हैं हमारी फिल्म। ये तो है, लेकिन महिला की किरदार सामने आता है। हाँ, ये भी एक दबंग महिला की किरदार है, माया जो है वो, लेकिन हमारी कहानी कुछ अलग है, रियलिस्टिक है, और कोशिश है कि एक अच्छी मूवी हो। माया की कहानी तो है जो आपको अच्छी लगेगी। कौन कौन इसमें किरदार? फर्स्ट ऑफ ऑल माया के किरदार में विदिता बाघ है, और बाकी सब नए ही हैं, एहसान खान है, राजप्रेमी है, इस तरह के लोग हैं, टेक्नीशियन इंडस्ट्रीज के जाने माने हैं, पुराने हैं, तो उस तरह की फिल्म है। मेन सेंटर कैरेक्टर जो है वो लेडीज ओरिएंटेड है, माया है, जो हमारी विदिता बाघ है, और उस पर ही पूरी कहानी है। थैंक यू।